हेलो और नमस्कार। जैसे कि एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि जो कि कैमरा में दिए होंगे प्रोग्रामड मोड्स कहते हैं उसको, मतलब यानी ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम करके रखे होंगे कैमरा में, तो उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो प्रोग्रामड मोड्स दूसरे कैमरा में दूसरे तरह रहेंगे, लेकिन उसका फंक्शन, उसका जो भी काम है वो एक ही होता है हमेशा। तो अभी हमारे पास जो कैनन का 80D है, इसके बारे में जो ट्यूटोरियल्स कर रहा हूँ मैं, तो इसमें देखते हैं कितने सारे मोड डायल्स हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर प्रोग्रामड ऑटो एक्सपोजर, प्रोग्रामड ये इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका शटर स्पीड, अपर्चर वैल्यू, जो भी सेटिंग्स है वो खुद कैमरा डिसाइड करता है। यानी ऑटो मोड जैसा ही होता है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि एक्सपोजर या फिर दूसरे कोई ISO सेटिंग्स चेंज करना हो आपको, तो आप ज़रूर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सीन में थोड़ा शटर स्पीड ज़्यादा चाहिए और कैमरा कम ले रहा है ऑटोमेटिकली, तो आप क्या करेंगे, ये हाफ शटर रिलीज बटन है ना, थोड़ा हाफ पकड़ के आप एक हाथ से ऐसे हाफ पकड़ के आप अगर डायल चेंज करते जाएंगे तो शटर वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपर्चर वैल्यू भी लेगा। देखिए अभी 1/100 है ना, अगर मैं हाफ शटर प्रेस करके होल्ड करके अगर मैं चेंज करता हूँ तो ऐसे चेंज भी कर सकते हैं फोर्सेबली आप। तो नेक्स्ट मोड जो है TV है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं P से हम TV चलेंगे। TV यानी टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू जैसे नाम कहता है, तो शटर स्पीड, टाइम यहाँ पे कौन सा होता है, शटर स्पीड, जितनी देर तक शटर ओपन रहेगा उतना लाइट अंदर लेगा वो सेंसर, तो उसके हिसाब से हम शटर स्पीड चेंज करेंगे। तो प्रोग्रामड AE में क्या होता है, सब सेटिंग्स कैमरा डिसाइड करके रखा रहता है, लेकिन TV में क्या रहता है, टाइम वैल्यू यानी शटर स्पीड हम चेंज करेंगे, बाकी सब सेटिंग कैमरा डिसाइड करता है। अगर कहीं आपको एक्शन का सीन चल रहा हो तो आपको पता है कि ये एक्शन का सीन है और मुझे शटर स्पीड सबसे ज़्यादा चाहिए, तो आप दूसरे सेटिंग्स को भूलकर सिर्फ शटर स्पीड चेंज करके आप स्नैप्स निकाल सकते हैं, तो सबसे जल्दी से जल्दी काम आपका हो जाएगा, तो इसलिए TV दिए रहते हैं। मैनुअल मोड में अगर जाएंगे तो सब सेटिंग्स आपको ही चेंज करना पड़ता है ना, तो अगर आप TV में जाएंगे कोई एक्शन सीन्स है या फिर आपके बच्चों का कुछ वीडियो निकाल रहे हैं या फिर फोटोज निकाल रहे और बच्चे आपको जैसे पता ही है कि एक जगह पे टिके नहीं रहेंगे, तो तब क्या करेंगे आप, शटर स्पीड यानी TV मोड पे रख कर आप शटर स्पीड बदलते क्लिक कर सकते हैं। अगर मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा है तो आप शटर स्पीड बढ़ा सकते हैं ऐसे, अगर मूवमेंट कम हो तो आप शटर स्पीड स्लो भी कर सकते हैं, उसके हिसाब से वो अपर्चर वैल्यू डिसाइड करेगा। अगर आपको पता है कि अपर्चर वैल्यू या फिर अलग एक्सपोजर सेटिंग, हाँ मुझे ये थोड़ा सीन ब्राइटर चाहिए या फिर डार्कर चाहिए, तो आप फिर Q बटन दबा के आप एक्सपोजर वैल्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, और उसके साथ एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन भी रख सकते हैं। कॉम्पेंसेशन यानी एक दो तीन शॉट्स खींच सकते हैं आप, तो डिफरेंट एक्सपोजर वैल्यू, एक डार्क सीन, ब्राइट सीन और नॉर्मल सीन आएगा आपको, तो आप कंप्यूटर में एडिट करेंगे तो तीनों मिलाकर एक अच्छा सीन मिलेगा। मतलब हम जो आँखों से हम देखते हैं डायरेक्ट सीन, अगर वो चाहिए तो ऐसा आप ऑटो एक्सपोजर बैलेंस या फिर एक्सपोजर ब्रैकेटिंग एक्सपोजर जो कहते हैं, इसी के लिए बना रहता है। अगर आपको पता है कि सीन, हाँ अभी मैं फ्लावर्स का सीन निकाल रहा हूँ, तो उसके हिसाब से मुझे अपर्चर वैल्यू यानी फील्ड ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, इतने एंगल मुझे फोकस में चाहिए, इतने डिस्टेंस का मुझे ब्लर होना चाहिए, आपको जज करने में आता है, तो आप क्या करेंगे, तब फिर मोड डायल चेंज करके आप AV को रखेंगे, AV यानी अपर्चर वैल्यू, तो यहाँ पे आपको बदलता हुआ दिखेगा, तो ये अपर्चर वैल्यू पर आ गए। तो अपर्चर वैल्यू मतलब जैसे नाम है, F-stop बदलेंगे आप, F-stop जितना ज़्यादा नंबर रखेंगे, अगर मैं यहाँ मेन डायल से चेंज करता जाता हूँ, तो आप अगर गौर किए हो तो मैनुअल मोड में रहेंगे तो F नंबर यहाँ से A डायल से चेंज करते हैं यूजुअली। अगर हम कुछ मोड्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अभी अपर्चर वैल्यू का यूज़ कर रहा हूँ, तो सब सेटिंग्स मेन डायल, ये मेन डायल से ही होता है। तो अभी अपर्चर वैल्यू किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मुझे पता है अगर यह सामने कुछ फ्लावर रखूं, तो मुझे पता है कि इतना मुझे फोकस में चाहिए, और स्पॉट मीटरिंग रखता हूं
तो मैक्रो निकालने के लिए बहुत अच्छा सेटिंग्स हम बना सकते हैं। तो एफ वैल्यू जितना ज़्यादा बढ़ेगा, एफ 14, 15, 16, 18, 22 जितना ज़्यादा रहेगा, यानी उसका अपर्चर जो भी है वो बहुत कम होता जाएगा, मतलब पूरा का पूरा फ्रेम आपको फोकस में आता जाएगा। जैसे कि अभी समझिए, अभी ये सामने ये जो सीन है, ये सब्जेक्ट मैं आगे रखा हूँ, वो पेड़ वाला थोड़ा पीछे रखा हूँ, प्लांट्स का जो भी दिख रहा है यहाँ पे। तो अगर क्या होता है, अगर मैं अपर्चर वैल्यू बढ़ा के F20, F15, F7, F8 ऐसे रखता हूँ, तो ये डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, उसके साथ पूरा फ्रेम आपको फोकस में मिलेगा, उसके साथ ही डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इसलिए लैंडस्केप फोटोज में क्या करते हैं, अगर आपका सीन ट्राइपॉड लेके गए हो तो सीन पर, तो स्टेबल तो रहेगा ये शॉट, इसलिए जितना भी शटर स्पीड लो हो, अपर्चर वैल्यू F20, F22 तक खींच सकते हैं आराम से आप, तब टोटल फुल सीन फ्रेम आपको अच्छी फोकस में मिलेगा। अगर सिर्फ एफ स्टॉप आप अपर्चर वैल्यू सिर्फ 5.6, जो भी आपका मैक्सिमम अपर्चर वैल्यू, मैक्सिमम मतलब लो नंबर, तो 5.6 ऐसे कुछ रहता है, तो लैंडस्केप में ऐसे खींचने से भी अच्छा ही आता है। लेकिन क्या होता है, आपको टोटल सीन फ्रेम आप जहाँ पे फोकस बटन क्लिक किए हो यहाँ प्रेस देख कर, तो उसी फ्रेम उसी एंगल से स्ट्रेट लाइन अगर आप लेंगे, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता रहा था फोकसिंग कैसे होता है, तो उस एंगल पर जो भी फ्रेमिंग होता है वहीं बिल्कुल फोकस में रहता है, बाकी सब फोकस में नहीं रहेगा, तो वो भी गौर करना ज़रूरी बनता है। अपर्चर वैल्यू ये वी किसको कहते हैं, जो भी एफ स्टॉप नंबर है आपका, अगर वो चेंज करेंगे तो ये भी मूड होगा, तो बाकी सब सेटिंग खुद डिसाइड कर लेगा। अगर मैं थोड़ा हाफ शटर प्रेस करता हूँ तो मुझे आपका जो भी शटर वैल्यू है वो दिखाएगा, हाफ शटर प्रेस करने से, हाफ शटर रिलीज बटन प्रेस करने से आपको ये वैल्यू दिखाई देगा। देखिए जितना जैसे ब्राइट होता जाता है बैकग्राउंड, तो शटर स्पीड बढ़ता जाएगा। तो अभी मैं इतना कम करता हूँ, तो उसके लिए ज़्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं होती, तो इसलिए वो शटर स्पीड ज़्यादा लेगा, बस इतना याद रखना है आपको। और ऑटो फोकस पॉइंट्स ये सब आप खुद चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पे, अगर फोर्सिबली आप चेंज करना हो तो। तो हम क्या देखे हैं आज, प्रोग्राम्ड AE TV यानी टाइम वैल्यू, यानी शटर स्पीड जो टाइम से मापा जाता है, शटर स्पीड चेंज करते हैं। फिर AV यानी अपर्चर वैल्यू, जो एफ स्टॉप नंबर रहता है डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, उसको यूज़ करते हैं। और हो गया मैनुअल मोड, और यहाँ पे एक बी मोड करके दिया है, बी यानी बल्ब मोड, मतलब आप खुद एक्सपोजर डिसाइड करके रख सकते हैं। एक्सपोजर दो तरह के सेट कर सकते हैं आप, अगर आप शटर स्पीड चेंज करना है तो उसके द्वारा आप एक्सपोजर यानी जितना ब्राइट सीन, जितना डार्क चाहिए आपको, वो सेटिंग्स चेंज करने के लिए एक्सपोजर वैल्यू चेंज करता है ना। तो बल्ब मोड में क्या होता है, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है आपको, जब तक आप शटर हाफ शटर यहाँ खींचते पकड़ेंगे तब तक वो ऐसे ही ऑन रहेगा, जब मैं रिलीज़ करता हूँ तब फोटो खींचेगा। जैसे कि यहाँ पे फुल लाइट्स लिट है इस इंडोर में, तो क्या हुआ, मैं ज़्यादा देर पकड़ के रखा हूँ तो शटर स्पीड उसके हिसाब से लिया होगा, तो इसलिए ओवर एक्सपोजर हो गया। अगर मैं थोड़ा छोड़ के ऐसे रखता हूँ तो प्रॉपरली लिट मिलेगा, इतना भी ज़्यादा हो गया तो इतने ब्राइट सीन के लिए इमीडिएटली प्रेस करके रखता हूँ तो प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है। तो ऐसे बल्ब स्पीड, बल्ब यानी एस्ट्रोफोटोग्राफी में, नहीं तो आपको पता है कि ये सीन क्या है, नहीं तो डार्क सीन्स जो भी रहते हैं, अगर नाइट बैकग्राउंड में कुछ खींचना हो आपको, पोर्ट्रेट्स वगैरह, तो आप ट्राइपॉड में रखे होंगे तो ही काम में आएगा बल्ब मोड। अगर ट्राइपॉड पर आपका कैमरा है तो बल्ब मोड बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो इतने के लिए आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्रिएटिव फिल्टर्स कैसे यूज़ कर सकते हैं इस कैमरा में जो भी दिए हो, तो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप कृपया सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करते रहे वीडियो ताकि दूसरों को भी पता चले। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।